धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन का कारोबार। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 15 जून के बाद जहां नदी नालों में खनन कार्यों पर रोक लग गई है, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में शारदा नदी से लगे उचोली गोड इलाके के 28 हेक्टर खनन क्षेत्र में अवैध खनन का भंडारण कर खनन सामग्री मजदूरों द्वारा छनवा कर बेचे जाने के साक्ष्य को दर्शाते हुए क्लिप टनकपुर इलाके में सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। वीडियो में नदी से लगे उचोली गोड इलाके में छन्ना लगाकर खनन सामग्री को मजदूरों द्वारा छानने व स्टोर करने का वीडियो सामने आने के बाद अब स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। ज्ञात हो कि पूर्व में खनन निकासी के दौरान उचोली गोड के 28 हेक्टर क्षेत्र में रिवर ट्रेनिंग के तहत खनन निकासी के पट्टे जारी किए गए थे, लेकिन ग्रामीणों ने गांव में भू कटाव और बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए खनन निकासी का जमकर विरोध किया। ग्रामीणों के विरोध के चलते प्रशासन को खनन निकासी बंद करने का फैसला लेना पड़ा, लेकिन खनन का विरोध करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने पर कई ग्रामीणों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। लेकिन अब जिस क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा प्रशासन द्वारा करवाए जा रहे खनन का विरोध किया जा रहा था, वहीं अब बरसात के सीजन में गांव के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा अवैध खनन के कार्य को अंजाम दे मोटी कमाई की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में टनकपुर के उपजिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया ने बताया कि सोशल मीडिया के द्वारा अवैध खनन का मामला संज्ञान में आया है। उनके द्वारा खुद घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच की जाएगी और अवैध खनन करने वाले लोगों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। ग्राम सभा उचोली गोट में अवैध खनन से संबंधित कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस हमारे संज्ञान में आए हैं। इसमें मेरे द्वारा भ्रमण किया जाएगा और उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी।